हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल विजुअल क्लास यूट्यूब चैनल पे। आज के 21 सितंबर के करंट अफेयर वीडियो के साथ शुरू करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। शुरू करें क्वेश्चन नंबर एक के साथ। क्वेश्चन नंबर एक है, 3 सितंबर 2019 को विश्व निर्वाचन निकाय संघ की अध्यक्षता संभाली थी, किसने संभाली थी? तो वो संभाली थी सुनील अरोड़ा ने। किसने? सुनील अरोड़ा ने, जो कि आपको पिक्चर में दिख रहे हैं। भारत वर्ष 2019 से 21 तक जो है इसकी अध्यक्षता करेगा, निर्वाचन जो आयोग है उसकी, मुख्य निर्वाचन आयोग की। गौरतलब है कि 2017 में ब्रोस्ट में आयोजित महासभा की बैठक में AWEB का जो अध्यक्ष मनोनीत किया गया था, 2 से 4 सितंबर 2019 के मध्य चौथीअंश समा का आयोजन हुआ था, वो हुआ था बेंगलोर के में। कहाँ पे? कर्नाटक, बेंगलोर में। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जो लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान है, परीक्षण अनुसंधान व प्रलेखन है, उसका केंद्र स्थापित किया जाएगा। आम सभा में ने नए उपाध्यक्ष के रूप में दक्षिण अफ्रीका के जो निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष है ग्लेन, उनको और नए जो महासचिव उनके रूप में दक्षिण कोरिया के जो चोन युंग जोई है उनके नाम को अनुमोदित किया है। उल्लेखनीय है कि भारत AWEB का जो है संस्थापक सदस्य है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दो नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का परीक्षण किया है? तो वो किया है उत्तरी कोरिया ने। किसने? उत्तरी कोरिया ने। और ये क्या 10 अगस्त 2019 को दो जो सुपर लॉन्च मल्टीपल जो रॉकेट है उसका परीक्षण किया, 10 अगस्त को। यह परीक्षण उत्तरी कोरिया के तनाशाह है किम जोंग ने अपनी उपस्थिति में किया है। उत्तरी कोरिया द्वारा यह परीक्षण अपने पूर्वी तट से किया गया था, जो लगभग 330 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर तीन नंबर क्वेश्चन है, नूखाई जो त्यौहार होता है निम्नलिखित में से किस राज्य में धूमधाम से मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। जो नुओ खाई जो त्यौहार है वो उड़ीसा राज्य का मुख्य त्यौहार है, जो गणेश चतुर्थी उत्सव के एक दिन बाद विशेष रूप से उड़ीसा के जो पश्चिमी भाग है उसमें ज़्यादातर मनाया जाता है। ये एक तरह का कृषि पर्व है, इसमें पैदा होने वाली नई फसल का यानी धान का स्वागत बड़े उत्साह के साथ किया जाता है। परंपरागत अनुसार धान जिसे वहाँ के नाम दिया गया है वह नव नन्ना कहा जाता है, को माल समलेश्वरी जो है उसको चढ़ाया जाता है, जो दान होता है उसको उनकी जो कुलदेवी होती है मलेश्वरी उसको चढ़ाया जाता है। माँ कलेवेश्वरी को संबलपुर की जो मुख्य है देवी माना जाता है वहाँ का। इसके साथ ही इस दान को जो पश्चिमी उड़ीसा है उसके अन्य देवी लंकेश्वरी, सुरनेश्वरी, पांडेश्वरी को भी चढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखें 4, एक शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रिलीजन जो नामक पुस्तक लिखी है उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक है राजेंद्र बी कलंक्षर। और इस पुस्तक का नाम क्या है? एक शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज। इस पुस्तक का जो प्रस्तावन है प्रख्यात पत्रकार मार्क टुली ने लिखी है। इसकी यह पुस्तक रूप प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है। इस पुस्तक में वर्ष 1837 से आज तक जो भारतीय रेलवे के विकास की जो यात्रा है उसका उल्लेख किया गया है। पुस्तक में पहली ट्रेन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में रेलवे की भूमिका, काकोरी जो रेल डकैती थी वो, नई हाई स्पीड ट्रेन 18 से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन है उसकी परियोजना आदि इस विषय में इसमें सम्मिलित किया गया, उसका अच्छी तरीके से उल्लेख किया गया है इस पुस्तक में। दोस्तों, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार फिर बोलेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपको PDF और नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आगे देखें स्टेटिस जीके के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एक, तो स्टेटिस जीके जरूर देखा करें, ये आपके आने वाले हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं। भरतनाट्यम भारत का शास्त्रीय नृत्य है, वो भारत के किस राज्य का मुख्यतः भरतनाट्य जो है नृत्य है प्रसिद्ध है? तो वह है तमिलनाडु का। संगोई जो महोत्सव है वो किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो वो किया जाता है मणिपुर में।
किस राज्य में फिरोज शाह कोटला ग्राउंड स्टेडियम है? तो है दिल्ली में, जबकि इस फिरोज शाह कोटला का नाम अभी चेंज हो गया है। क्यूबा की जो राजधानी है वो है हवाना। कौन सी? हवाना। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, इंदिरा सागर बांध किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। उम्मीद करेंगे आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें।